दिल्ली नगर निगम में 15 सालों तक सत्तारूढ़ रही बीजेपी आसानी से दांव नहीं छोड़ने वाली। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के बाद अब पार्टी ने महापौर और उप महापौर के साथ ही स्थायी समिति के चुनाव में भी चुनौती देने की तैयारी की है। इस चुनाव में भी वो अपना उम्मीदवार उतारेगी। प्रत्याशियों की घोषणा नामांकन के आखिरी दिन 27 दिसंबर की सुबह तक हो सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक रविवार को प्रदेश बीजेपी की शीर्ष बैठक में ये फैसला लिया गया कि अकेले आप के लिए मैदान खाली ना छोड़ा जाए और पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़े। ऐसे में 6 जनवरी को होने वाला चुनाव दिलचस्प हो सकता है। इसके साथ इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ ही निर्दलीय पार्षदों की भूमिका दिलचस्प हो सकती है।